वेलकम टू जीएस डिजिटल। आज हमने पढ़ना है कि हम अपनी लिस्ट को मुख्तलिफ तरीकों से सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो कल सिर्फ हमने लिस्ट में पढ़ा था कि कोई हम वैल्यू है 1, 2, 3 है, उसको सॉर्ट कैसे करते हैं। आज हम बेसिकली ये होती स्ट्रिंग है, लेटर्स को भी सॉर्ट करना सीखेंगे कि हम इनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉर्टिंग का पता होना चाहिए कि इसमें डेटा है, बेशक वो 1, 2, 3 गिनती है या कि आपका टेक्स्ट है। इसको हम सॉर्ट एक ही तरीके से करते हैं क्योंकि लिस्ट इसको समझती है, स्ट्रिंग है। उससे ये पता नहीं है कि क्या है, कि ये लेटर है या वर्ड है या कोई वैल्यू है। तो आज जस्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आपने एक लिस्ट बनानी है कलर्स की, जिसमें मुख्तलिफ कलर्स नेम लिखने हैं। फिर मैं कहता हूँ कि ये तरतीब से आ जाए, कि अल्फाबेटिक तरतीब से आ जाए। उसके बाद मैं एक नुमेरिक वैल्यू का डाटा वो करता हूँ जिसमें ये वैल्यू लिखी हुई है। इसके बाद इसको हमने क्या करना है, इस नुमेरिक वैल्यू को सॉर्ट करना है और ये दोनों प्रिंट हो जाएं। तो आपको पहले बताया हुआ है कि ये चीज़ें आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपने जस्ट यहाँ इनको पैटर्न समझना है। तो ये मैंने कलर की लिस्ट है, इसको सॉर्ट करने के बाद इसको प्रिंट हो जाए। तो ये एक मैंने नुमेरिक लिस्ट बनाई है, स्ट्रिंग दोनों, और नुमेरिक को इसको नंबर को सॉर्ट कर दे। तो इसको मैं रन करूंगा। तो पहले मैं देखें कि ये जो लिस्ट थी यहाँ पे वी से शुरू हो रही थी, तो उसने अल्फाबेट वी से शुरू कर दिया। इसी तरह ये हमारी गिनती थी, ये मुख्तलिफ नुमेरिक दिए हुए थे, यहाँ पे हमने सॉर्ट करके तरतीब से दे दिए। तो आज के लिए इतना काफी, कल हम मजीद तफसील से पढ़ेंगे। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना।